नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के महबूब नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों के लिए धन्यवाद किया। नड्डा ने राज्य की मौजूदा चंद्रशेखर राव सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुमका में धमाका में क्या हुआ और हुजूराबाद में हुजूर गिर गए, इन घटनाओं ने केसीआर साहब को विचलित कर दिया है। ये इशारा है कि जनता यहाँ बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक अहम बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने भीषण गर्मी या आग लगने की घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत बताई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे जी ने ही मनोहर जोशी के रूप में महाराष्ट्र को पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया था। हडपसर इलाके में आयोजित एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए राउत ने कहा है कि ये दिवंगत पार्टी सुप्रीमो थे, जिन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सड़कों पर नमाज अदा करने की प्रथा को खत्म किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर वीरभूम हिंसा की जांच के लिए एक प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजने पर कटाक्ष किया। बता दें कि वीरभूम में 8 महिलाओं और एक बच्चे को जिंदा जला दिया गया। शाह ने कहा है कि जब भी देशभर में कोई घटना होती है तो सीएम ममता बनर्जी एक प्रतिनिधि मंडल भेजती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले में ऐसा कोई निर्देश नहीं था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फैंस इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब हुआ है। इसमें 2007 की फिल्म अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर प्रियदर्शन निर्देशित फिल्म भूल भुलैया के कैरेक्टर को दोहराएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।